कुछ समय के लिए आप मान लीजिए कि मैं आपके स्थान पे आ जाता हूँ और आप मेरे स्थान पे आ जाते हैं, तो आप मेरे में से कौन से 3 गुण देखेंगे जैसे आप प्रशासन में मेरा चुनाव करेंगे? सर सवाल अपना परिचय दीजिए, नाम नहीं बताना, जिला नहीं बताना। सर 10th और 12th मैंने यूपी से किया और यूजे मुझे यहाँ से आपने यूपी से 10th 12th किया है और JNU से आपने ग्रेजुएशन किया है, ये इतना लंबा दूर सफर कैसे किया आपने? सर थोड़ा बारी बारी एडजस्ट होने के कारण शादी हुई थी कल। मेरे पिताजी व्यवसाय तो मैं वहाँ साथ चले गए थे वहाँ से। वर्तमान में आप जोधपुर रहते हैं। जी सर आपने पहले साइंस रखा फिर आर्ट्स चेंज कर लिया ना, साइंस जी सर आपका फेवरेट था क्या? नहीं। तो साइंस विषय क्यों लिया, उस समय आर्ट्स ही ले लेते ना। सर पहले थोड़ा मेरे मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना था। मेडिकल डिपार्टमेंट में जाने की रुचि है ना। आर्ट्स में क्या क्या विषय है आपके? आर्ट्स में मेरी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी। स्ट्रीट पॉलिटिकल और जियोग्राफी है जी वैसे सर आपके। बच्चों के साथ खेलना पसंद है आपको, परिवार जी सर किसी के बच्चों के साथ या अड़ोसी पड़ोसियों के लोग ले लेते हो? भी। हाँ अच्छा, बच्चों छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खिलाते समय या फिर उनकी केयर करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि के अनुसार केयर बच्चे रखनी जानते हैं कि छोटा चाहिए। बच्चे की बात कर रहा हूँ जो समझता नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या। हाँ सर तो उनके चोट नहीं लगना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने का तो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे कहीं भी खेले तो गंदी चीज मुंह डाल लेगा बच्चे। आपने खाने पीने की बात की, वर्तमान के अंदर जो राजस्थान में अपन देखिए तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक से पोषण नहीं मिलता है, वो पोषण के शिकार हो जाते हैं। तो एक परिवार को, एक माँ को ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चा एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, निरोगी हो, कौन कौन सी बातों का ध्यान? तो कुपोषण का शिकार है तो उनको थोड़ा रोजगार में ध्यान देना चाहिए। जैसे जिस हिसाब से मजदूरी करना चाहिए। पढ़ी लिखी है तो किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो किसी भी जाके थोड़ा बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? कैफेटेरिया पीटी आप महिला हैं और महिलाएं ज्यादातर क्या है कि अपना जो बैंकिंग है या फिर टीचिंग है इस फील्ड में ज्यादा जाना चाहती है, तो आप इस पुलिस प्रशासन में आने का कारण? सर वो तो सबके अपने अपने हिसाब से कोई ट्रेंड करना चाहता नहीं, है ये आपका हिसाब है या किसी और का सर हिसाब है? मेरा ही है। कब सोचा आपने ऐसा ही बनेगा? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। जी सर ऐसा ही से ऊपर की कोई दो पोस्टों के नाम बताओ। सर सीए डिप्टी CIO डिप्टी आपने बताया, एक तो CIO, एक डिप्टी और एक आपके SP, जी 3 लोग बाहर खड़े हैं। जी सर आप किसी रूम के अंदर से आए हैं, कैसे पहचान करेंगे ये CIO है, ये डिप्टी और ये SP है? सर पहचान आपको इस बिना तरह मतलब बातचीत किए पहचान करनी है ड्रेस कोड के आधार पे, या तो कैसे पहचान कर? हाँ सर इस तरह उस हिसाब से बताइए कैसे पहचान कर। एस पी सर अशोक स्तंभ और रिजवान स्तंभ और डिप्टी वे इस तरह और CIO के यही कि सर स्टार तो 3 होते हैं। मुझे आप बताइए, देखो हर मानव शरीर होता है, सबको अलग अलग, किसी कोई चीजें अच्छी लगती हैं, कोई चीजें बुरी लगती हैं, आपको किन किन चीजों से भय लगता है कि मुझे इन चीजों से भय लगता है? सर रिपीट
जैसे मुझे पानी से भय लगता है, जी हाँ, पानी में दिखता हूँ तो मुझे डर लगता है, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें जिनसे भय लगता है? किसी से नहीं लगता है? नेर भी क्या एकदम, आप आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ा कर कहूँ कि छलांग लगा दो, लगा दो। खैर कोई नहीं, सर मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और ऐसा कुछ मेरे को आवश्यकता पड़ी तो उस सर के साथ लगा। चलो एक सिचुएशन देता हूँ। आपने जब प्रश्न का जवाब दिया था जी सर, कि एक गांव के अंदर सरपंच के चुनाव है, सरपंच जी सर, के चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी जी सर, है और वहां पे बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, वहां पे मतलब गांव का जो माहौल है ना बड़ा आक्रामक है, वहां के लोग भी बड़े खतरनाक है, वेपन्स वगैरह भी रखते हैं और कई घटनाएं वहां पे देखने को मिलती हैं। आप अंदर है, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, वोटिंग चल रही है और आपको लग रहा है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में यहाँ पर बड़ी स्थिति विकट हो सकती है, आप क्या प्लानिंग करेंगे कि वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके? सर सारी टीम के साथ मिलकर और सूचना देकर एक्स्ट्रा टीम बुला कर होंगे और पहले से ही मौका देंगे ऐसी घटना घटने में। तो घटना घट गई तो सर नियमों का पालन करेंगे। वहां पे नियम याद करेंगे आप डायरी खोल के कौन कौन से नहीं नियम? सर, पहले से थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा और खुल के बताइए, मुझे लगा कि आपने पूरा डिटेल नहीं बताया, कुछ दबा दबा सा है आपका व्यक्तित्व, थोड़ा सा और बताइए, देखें क्या दिक्कत है। जी सर, मैं बाढ़ने से बिलोंग करती हूँ और मैंने 10th और 12th यूपी से किया है और ग्रेजुएट किया मैं JNU से सर। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आपने अपना कंप्लीट किया है? मैंने किया था ये जामिया उदय से किया है 10th और 12th किया है आगरा से। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर खाद थी का व्यवसाय था नॉर्मल। अच्छा, तो उनका व्यवसाय उत्तर प्रदेश में सेटलमेंट जी था सर तो आपको वहीं पे जाना हाँ, पड़ा। मेरी मदर और भाई थी तो वहाँ थे। मेरी शादी सर हो गई थी 2008 में, फिर थोड़ा तो 2008 में शादी, उस समय तो मुझे लगता है आपकी एज बहुत कम रही होगी, हाँ 15 सर बाल विवाह। साल बाल विवाह का आप शिकार हो गए। तो जी सर ये बाल विवाह जो ये आपके साथ हुआ था, तो इसमें आपके पेरेंट्स का कोई रोल था क्या? हाँ, पेरेंट्स का समाज में सब सर वो पहले इतने वो मेरे पेरेंट्स उस हिसाब से सर कर दिया, फिर उन्होंने पढ़ाई का मना कर दिया, स्पेशल पढ़ना है नहीं फील्ड में काम करो। इस बात को लेकर के अफसोस तो होता होगा ना? तो बिल्कुल सर जब ये चीजें जब याद आती है और आपके सामने आपके माता पिता खड़े होते हैं तो क्या सोचती हैं उनके बारे में? बाल विवाह का नहीं, अपने माता पिता के बारे में, अगर इन्होंने मुझे बाल विवाह में नहीं झोंका होता, पढ़ने दिया होता, हो सकता है मैं और बेहतर कर सकती हूँ, ये सब मन में कचोटता होगा ना अंदर से। सर, वो उनकी मजबूरी थी सर, समाज कैसी? का परिसर पहले सर थोड़ा अच्छा, जो पेरेंट्स होता है उसको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि समाज के बारे में ज्यादा सोचना? सर वो भी है। अभी सर थोड़ा कम हो रहा है, बालवी और बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो अभी जो आपको ये अवसर मिला हुआ है, आप पढ़ाई का जो करना शुरू किया हो, तो ये कौन सहयोग कर रहा है आपका, जी सर आपकी मदद कौन कर रहा है? पढ़ाई में हाँ, मदद सर माता पिता ही करते माता पिता ही कर रहे हैं। और आपके हस्बैंड? तो हैं। नहीं सर देव डिवोर्स हो गया, मतलब अब शादी आपकी जो है वो समाप्त हो गई, ना, क्या वजह रही इसका? मुझे सर यही वो पढ़ाई के मना करते थे बार अच्छा, बार, पापा को बोलते कि आपने तो कुछ किए ही नहीं है बेटी को। यानी दहेज की डिमांड करता था बार हाँ बार वो। अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया, बढ़िया किया। तो जैसे एज ए महिला, जैसे आप सब समाज में आपने बहुत ढेर सारा झेला है, बहुत ढेर सारी चीजें आपने तो अपने इसी जीवन में देखी है इतने समय में, बचपन से लेकर के अभी यहाँ तक पहुँचने तक का, तो इस दौरान जो आपने कठिनाइयों का सामना किया है, उसमें से कौन सी ऐसी तीन कठिनाइयां हैं जो आपको लगता है कि मतलब ये बहुत ही खतरनाक रहा, मेरे जिंदगी का अभी तक का सबसे बुरा दौर रहा ये?
कुछ याद है ऐसा? हाँ सर, बताएं। ये तो ये शादी बाल विवाह हो गया ये वाला बहुत कठिन था सर। जो जहाँ अपन घर में ही रहते, पास में स्कूल थी, मेरे दादी परिवार सब वहाँ ही रहता था, वहाँ एक स्कूल जाने का अलग, फिर मेरे पापा और मम्मी के साथ आना वो मेरे लिए बहुत कठिन था सर। फिर बाहर जाके पढ़ाई करना वो भी मान। जैसे अब तो मान लीजिए कि अब सशक्त हो रही हैं और इन सब समस्याओं को आपने झेला है, तो आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि मतलब हम ये काम करें, कुछ सुझाव है आपके हाँ पास? सर, शिक्षा में बढ़ावा देना बहुत ज्यादा से ज्यादा, शिक्षा शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए। क्या महिलाओं को कहीं ये लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा आर्थिक संरक्षण मिले या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करी जाए तो वो और बेहतर कर सकती है, ऐसा कोई महसूस किया? कोई में। हाँ सर, वो भी है फर्क है तो उसको भी लिखना। सर, आर्थिक तो जब पढ़ाई के लिए तो अभी सर गवर्नमेंट में भी बोल रहे इतना कोई अच्छा, जैसे इन सब समस्याओं को झेल करके आप बाहर निकल रही हैं, आप डिपार्टमेंट के अंदर आ रही हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट भी पहले से ही अगर देखेंगे तो पुरुष प्रधान है। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो पुरुषों का ही वर्चस्व ज्यादा दिखेगा, ये सारी चीजें। तो आपके पास एक बैकग्राउंड भी है जो आपने झेला भी है, और फिर यहाँ पर जब आप आएंगे फिर आपको लगेगा कि ये तो पुरुष फिर से मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो कैसे आप अपने अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने वाली? सर। महिलाओं के लिए पुलिस में पुरुष तो वो अपनी जगह है, महिला अपनी जगह, वो खुद हैंडल कर सकती है, हमारे ऐसा कोई कुछ नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए सामाजिक दबाव में आप तो मान लीजिए सेवा में आ रही हैं, स्वागत है आपका। तो जैसे कोई लड़की आपके पास आती है कहती है मैम मेरे घर वाले और समाज के दबाव में मेरा बाल विवाह कराया जा रहा है और मुझे नहीं करना है और मुझे बचाइए इस कुप्रथा से, तो आप उसके लिए क्या स्टैंड लेने वाली हैं तुरंत? सर, घर वालों के लिए समाज कानूनी कार्रवाई करेंगे और बच्चे को जो भी है शिक्षित करेंगे, बाल व्यवस्था नहीं करेंगे। अच्छा, ये राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ किया है क्या? क्या हाँ सर, नियम बनाया है? अच्छा, छोड़िए जैसे ठीक आते हैं थोड़ा सा। जैसे राजस्थान को अगर देखा जाए कि मतलब कला संस्कृति और पर्यटन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में भी गई उस दिन, आपने जो भी दौर रहा उत्तर प्रदेश में भी आपने बिताया है, राजस्थान में भी आपने बिताया है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कल्चर में आपको कोई अंतर नजर आता है क्या? थोड़ा बहुत क्या आता है? जैसे यहाँ की संस्कृति थोड़ा अलग है, यहाँ के संस्कार अलग है, वहाँ के थोड़े से अलग है सर, पर्यटक स्थल। कहाँ का संस्कार आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उत्तर प्रदेश का ही राजस्थान का? जी सर, लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि यहाँ पे बाल विवाह और बाकी ये समस्या है, उत्तर प्रदेश में इस तरह के केसेस बहुत कम। सर अभी यहाँ थोड़ा कम है बाल विवाह का, पहले अच्छा, अब कम, था, पहले अभी कम है। हाँ सर, ज्यादा हुआ। अच्छा, ये राजस्थान में एक लोकनृत्य होता है घूमर ना, जी सर, क्या है ये, जरा थोड़ा सा बताइए, बढ़िया से बताइए किस तरह ये का? सर घूमर एक संस्कारी नृत्य है। घूमर घूमर जो सब नृत्य इनका एक सिरमौर है, अच्छा, ये सर सबसे बढ़िया है और ये संस्कारी है। इसका कोई धार्मिक महत्व भी है क्या? धार्मिक जी सर, हाँ महत्व हाँ क्या सर बिल्कुल, क्या है? ये मतलब जो देवी देवता के जो भी होता है नृत्य, तो ये घूमर भी होता है सर। जो कोई मुख्य देवी देवता भी है कि किसी पर आधार मान करके जैसे? जैसे मान लीजिए कि जीवन में फिर से आपको एक नई पारी शुरू करने का मौका लगे, क्या आप फिर से विवाह करना चाहेंगे? सर विवाह मेरे को नहीं ठीक लगता, अकेला ही बिताना, सेवा देने के लिए पूरा जीवन अकेले बिताने में खुश बेस्ट रहेंगे है, आप पूरी तरीके सबसे से? बढ़िया है सर। ऐसा क्यों आपको एहसास होता है कि नहीं आप शादी नहीं करना चाहिए? इसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो फिर आपके सामने जो पुरुष फरियादी वगैरह आएंगे तो आप पहले से ही पूर्वाग्रह में रहेंगी,
रिलैक्स होइए, पानी पीजिए, ये आप पर्सनल मेडिटेशन, सॉरी पानी पीजिए, पानी पीजिए सर, पानी पीजिए, पानी पीजिए। एक चीज मैं ना बोलना चाहूंगा सर आपको, क्योंकि आप सबसे मतलब बेहतर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। परेशान नहीं हो ना, आपका बहुत सही दिशा में जा रहा है, इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आप सेवा में आओ। आपके अंदर देखा, ये इमोशनल कमी आपकी आएगी जैसे और इस पे वो हावी होने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसका सामना करना है ना, वहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे दहेज है और जी बाल सर, विवाह है, आपने चूंकि ये चीजें देखी है तो आप मतलब बहुत बेहतर इसके उपाय जान सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं इसमें। तो जी सर, आपको ऐसे पॉइंट कुछ बताओ ताकि इन फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं हुई नहीं, कुछ ऐसी चीजें मतलब, क्योंकि आपने इसको भोगा है, आपने इसको देखा है, तो सरकार ऐसे क्या प्लान बनाए, क्या करें ऐसा ताकि दहेज के जो दानव है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सके, बाल विवाह जैसी कुरीति जड़ से समाप्त हो जाए। क्योंकि तो आपने देखा तो क्या क्या कर सकते हैं हम इसका। सर ये कर सकते हैं कि जैसे एक के जगह एक कहीं जगह हो गया अब ऐसा दहेज प्रथा वाला मामला, उसमें सर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो वो आगे से नहीं होगा, और सर कानून लागू करना पड़ेगा हर जगह की, ऐसा शिक्षा बढ़ावा देंगे तो सर ऐसी कोई मांग नहीं होगी डिमांड पे दहेज वगैरह, सबसे मेन चीज शिक्षा, शिक्षा अगर शिक्षा को बढ़ेगी बढ़ावा और देना सबसे ज्यादा सर। बाल विवाह को भी मतलब क्या क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई नहीं, खत्म हो जाए जड़ से। सर बाल विवाह तो ये इसका भी शिक्षा में जो अनपढ़ लोग है ना वही सर ऐसा करते हैं, आघातीज का मौका देते हैं, जब पता चलता है आघातीज अक्षय तृतीया आते हैं सर उस पे ज्यादा होता है, तो अपन थोड़ा पहले से ही सतर्क रहेंगे आगे अक्षय जाएंगे। तृतीया पर सरकार को मतलब पूरा उसके 15 दिन पहले जी एक्टिव हो सर, जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल सर, आपने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, जी सर, बीकॉम नहीं सर, आर्ट्स, बी, अच्छा हाँ बीए। जी सर, जय नारायण व्यास का राजस्थान के जो आंदोलन हुए स्वतंत्रता से संबंधित, उसमें क्या योगदान है, कुछ पढ़ा आपने इनके बारे में, कोई आइडिया है थोड़ा बहुत? ओके, कोई बात नहीं। आप पश्चिमी राजस्थान से आती हैं, वहाँ दोहरे एक भूगोल की स्थला करती है, जी सर। दोहरों के कारण पुलिस व्यवस्था के समक्ष कौन सी चुनौतियां पैदा होती हैं, पुलिस प्रशासन कौन कौन सी चुनौतियां महसूस करता है कि भाई दोहरे होने के कारण हमारे जो कार्य प्रणाली है उसमें बाधा उत्पन्न होती है? सर बाधा होती है जैसे कोई केस आ गया तो सर वहाँ के आने जाने की प्रॉब्लम रहती है, रास्ता होता नहीं है, गाड़ी वहाँ तक पहुँचती नहीं है, किसी के रास्ते ही नहीं होते सर, ऐसी काफी प्रॉब्लम्स है आपकी। अच्छा, ऊंट तो इस प्रॉब्लम को दूर करने में किस प्रकार सहायक है? ऊँट सर ये मतलब रेगिस्तान की चाल चल सकता कहीं भी अच्छा, इसके अलावा ऊंट का क्या महत्व है? ओके, पश्चिमी राजस्थान में महिलाएं दहेज और बाल विवाह के अलावा और कौन सी समस्याओं का सामना कर रही हैं? दहेज और बाल विवाह के अलावा कुछ और समस्याएं हैं हाँ सर जैसे? अच्छा, बेरोजगार है और अशिक्षा भी देखने को मिलती है। ना काफी सर। अच्छा, सरकार को इन सब चीजों को दूर करने के लिए आपके अनुसार और क्या कदम उठाने चाहिए? अच्छा, ये कोविड महामारी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिली, बाड़मेर में इससे संबंधित आपको क्या प्रभाव देखने को मिले, कोविड-19 के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिले? सर जो लोगों के रोजगार था वो कम हो गया बिल्कुल, बैंकें वगैरह थी वो बंद हो गई सर, और गांव में अच्छा,
रोजगार के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं पश्चिमी राजस्थान में, जिनको जहाँ पे जाके महिलाएं अपना सशक्तिकरण कर सकती हैं आर्थिक रूप से? मनरेगा मनरेगा अच्छा, इसके अलावा और कोई कोई कंपनी, अच्छा कोई स्कीम? सर, ये जो अभी महिला सशक्तिकरण का वो ये चल रहा है, जो सिलाई मशीन वगैरह वितरण करके और कसीदाकारी वगैरह की। अच्छा, ये आपने जिक्र किया सिलाई वगैरह का, इससे संबंधित एक महिला चर्चा में रही है, नाम बता सकती हैं आप? रुमाली इन्होंने किस प्रकार के मतलब वस्त्रों का डिजाइन वगैरह किया है, उनकी क्वालिटीज के बारे में कुछ बता सकती हैं, उनके वस्त्रों की क्वालिटी? जी सर, ये कसीदाकारी और हैंडीक्राफ्ट में जो भी होता है ये सब इन्होंने किया है बाद में। अच्छा, तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो है जी सर, वस्त्रों के क्षेत्र में मशीनीकरण के कारण किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है? मशीनों से भी वस्त्र बनते हैं, जी सर, और ये तो हैंडीक्राफ्ट अपने हाथ से या सिलाई मशीन जो ट्रेडिशनल एक यंत्र है उससे सर बनाती है। दोनों ही यूज करने पड़ते हैं, हाथ से भी होता है उसमें और मशीन से भी, तो कुछ काम हाथ से होता है कुछ मशीन से, दोनों की जरूरत पड़ती है सर। अच्छा, मशीन नहीं हो तो वो हाथ से वाला काम पूरा नहीं होता, तो दोनों की जरूरत पड़ती है। पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती की जा रही है, जी इससे आप सर, अवगत हैं? इससे क्या लाभ हो सकते हैं पश्चिमी राजस्थान? खजूर की खेती से तो ये खजूर बाहर जाती है और किसानों को ये अच्छा मुनाफा है। अच्छा, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है जी सर, क्या? ओके, पुलिस व्यवस्था में आने के बाद आप कौन से तीन प्रमुख सुधार करें? पहली तीन प्रमुख आप प्राथमिकताएं बता दीजिए। मैं नियमों का पालना करूंगी पूरी, जो कानून बने होंगे उनकी मैं पूरी पालना करूंगी। और महिलाओं अच्छा, के लिए लू वगैरह इस समय बहुत चल रही है, जी आप सीमावर्ती क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगती है, इससे बचाव के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? गर्मी है ऑलरेडी, पानी की कमी है आपके क्षेत्र में, तो आपके सभी सहकर्मी स्वस्थ रहें इस गर्मी के मौसम में, क्या क्या उपाय करना चाहेंगे अपने थाना क्षेत्र में? कोई बात, थैंक यू। एक अंतिम प्रश्न आपसे, आपके आपका बहुत बुरा अनुभव रहा आपका, और न जाने कितनी ऐसी बहन बेटियां हैं जिनके साथ इस तरह के अनुभव हैं, जी सर, आपको अगर न्याय व्यवस्था में कोई एक बड़ा पद दिया जाता और कहा जाता है कि ऐसे जो भी गलत करने वाले हैं उनको सजा का प्रावधान करना हो, तो आप क्या सजा का प्रावधान करेंगे, ऐसी सजाएं क्या कानून बनाएंगे इनके? सर कानून जो जो लागू किए हैं उनकी पालना करेंगे और अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, जो बने हुए उनको लागू करेंगे। एक मिनट के बाद जाकर तुरंत सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप में संभावनाएं तलाशी जा रही है, और सबसे मतलब जो आपका सबसे खराब विषय जा रहा है वो ये जा रहा है कि आपका जो पिछला अतीत है वो आपके ऊपर इतना भयंकर तरीके से हावी है। अभी तो मतलब आपसे क्वेश्चन मैंने शुरू ही किया था और आप ऐसे रोना धोना शुरू कर दोगे तो अपना ये जो डिपार्टमेंट है रोने वालों के ध्यान बिल्कुल गुंजाइश है। आपके पास मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपका ये आप बीती है और अपनी समस्याओं का बहुत मजबूती और बहादुरी से रखने वाले हो। आप ऐसी महिलाओं का नेतृत्व करोगे जिन्होंने आप जैसी समस्याओं का सामना किया हुआ है, तो जब आप ही बिखर जाओगे तो वो तो बेचारी और कहीं भाई इससे बढ़िया हम लोग वहीं वापस लौट चलें, तो कम से कम आप अपने आप इतना बहादुर बनाओ। इस तरह के प्रश्नों का सामना करने में ये आंखों में आंसू, दबदबा पानी, ये सब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप ऐसे लगाओ कि मतलब मैं सामने वालों को ऐसा दर्शाऊंगी जब मैं सेवा में,
इस तरह से कोई काम करेगा तो मैं इस तरह की हजारों महिलाओं का नेतृत्व करने जा रही हूँ अगर मुझे मौका मिलता है। जब नेता ही रोएगा तो बाकी लोग क्या करें, इमोशनल बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। इसलिए तुम बड़े अच्छे से कार्य करिएगा, बिखरना नहीं है। जी सर, अभी तुम्हारे लिए आपसे अभी तो और भी ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि अभी आपकी लाइफ से बहुत ढेर सारी चीज निकालनी है। अगर वो चीज आपके ऊपर हावी रहेगी तो सेवा भी अच्छा नहीं, इस पर आपको काम करना है। और दूसरा ये मतलब आपका कॉन्फिडेंस और बाकी सारी चीज बड़ी जबरदस्त है, ये आपका सब पॉजिटिव इफेक्ट है। और जो आप बोल रहे हैं तो ये अच्छा बोले, लेकिन थोड़ा सा और ऊंचा बोल सकते हैं, थोड़ा सा तेज बोले, बहादुरी से बोले। अब ऐसा भी ना करें कि मतलब अगर आपको लगे कि मैं तेज बोलने में अनकम्फर्ट हो सकती हूँ या मैं चीजें भूल जाऊंगा, तो जो लेवल है आपका उसको आपको बनाए रखना है। अभी देखिए चेहरे पे कितना बढ़िया स्माइल वगैरह आ रहा है, यही रिप्रेजेंट करना है आपको उस समय। उस समय मतलब 15-20 मिनट का खेल है बस, और अपने आप को ये तैयार कर लेना है कि इस 15-20 मिनट में जो है ना, ये मेरे साथ जो 15-20 साल का जो भी आप बीती रही है इसका पूरा मुझे जवाब देना है। न्याय नहीं मांगना है, जवाब देना है। जी सर, न्याय का फैसला तो अलग किया जाएगा, वो बाद में होगा, अभी आपको मौका मिल रहा है जवाब देने का। वो आप एकदम बड़े बहादुरी से करिएगा और इन सबको करिएगा। ड्रेस वगैरह सेंस आपका सब बहुत परफेक्ट जाएगा, थोड़ा सा इसको मेंटेन करना है। और अपनी जानकारी को जितना हो सके अधिक से अधिक बढ़ाइए, खास करके बाल विवाह, राजस्थान सरकार की महिलाओं से संबंधित कितनी योजनाएं हैं, महिला कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, बाल विवाह में क्या क्या कंट्रोल किया है, जी सर, क्योंकि आप में असीम संभावनाएं हैं। ये सब काम अगर आप नहीं करेंगे तो बड़ा अफसोस होगा, भाई इतना बढ़िया कैंडिडेट जो हो बस कुछ गलतियों की वजह से बाहर हो, ये नहीं करना आपको, ठीक है? बाकी सब जबरदस्त है आपका। आप ना ये पॉइंट्स तैयार कर लीजिए सारे ना, भावनात्मक ऐसा ने कर लिया, वो भी जैसे आपने लिखा ना, तो बच्चों से संबंधित चीजें आप पढ़ लेना सारी, ताकि कोई भी पूछे ना, जैसे टीकाकरण का आपने अच्छा बताया, तो और भी कोई चीजें हो तो पढ़ लेना पूरा। ऐसा ही करने के कारण आपके पास बहुत शानदार है, जन्म आपसे का बेहतर किसी के पास कारण नहीं हो सकते। आप अपने कारण तैयार करें कि ये कारण है, ये मैं ये ठीक करके रहूंगी, वो इसलिए उन्होंने कह दिया। जैसे कुछ अच्छा बाल विवाह दहेज वगैरह ना, इन पर आप पॉइंट्स तैयार कर लें, जी सर, ये है ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया प्रस्तुत।